वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज आने वाले 5 अक्टूबर से हो जाएगा। क्रिकेट का खुमार वैसे भी क्रिकेट फैंस के सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले ही दिग्गजों की भविष्यवाणियां रोमांच को और बढ़ा देती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो सुनील गावस्कर और गौतम गंभीर सहित करीब 10 दिग्गजों से फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को लेकर चर्चा की गई। इन क्रिकेट के दिग्गजों से जब पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2023 की टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी, तो आइए सुनते हैं किसने क्या जवाब दिया। सबसे पहले बात करते हैं जैक कैलिस की। साउथ अफ्रीका के जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक कैलिस ने जिन सर्वश्रेष्ठ 4 टीमों का नाम लिया, उनमें इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं एरॉन फिंच ने अपनी 4 टॉप संभावित टीमों का भी ऐलान किया। इन टीमों में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया तो कॉमन थे। एरॉन फिंच ने इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल किया है। क्रिस गेल की अगर बात करें तो क्रिस गेल ने इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का नाम लिया है। गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड को इसमें शुमार किया है। सुनील गावस्कर की बात करें तो सुनील गावस्कर ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका को टॉप 4 में शामिल किया है। इरफान पठान ने भी इस मामले को लेकर अपनी बात रखी। इरफान का कहना है कि टॉप 4 में इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टीमों के नाम शामिल हैं। मुथैया मुरलीधरन की बात करें तो उन्होंने भी इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है। शेन वॉटसन ने भी इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए। शेन वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान को टॉप 4 में शुमार किया है। संजय मंजरेकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को टॉप 4 में शामिल किया है। वहीं रॉबिन उथप्पा ने भी 4 टीमों की बात कही जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। तो ये थी टॉप 10 खिलाड़ियों की अपनी अपनी टॉप 4 टीमों के लिए राय। तो वर्ल्ड कप में इन 4 टॉप टीमों में 2 नाम कॉमन थे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यानी कि हर किसी को ये उम्मीद है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जरूर सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक पहुंचेंगी। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत को अगला मुकाबला दिल्ली में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। पहले 2 मैचों के बाद भारतीय टीम अहमदाबाद के लिए रवाना होगी, जहां 14 अक्टूबर को उनका सामना चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से होगा। ग्रुप स्टेज में भारत का आखिरी मैच 12 नवंबर को नीदरलैंड से है। इसी मैच से ग्रुप स्टेज का भी अंत होगा। वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं 16 नवंबर को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी कोलकाता के ईडन गार्डन को मिली है। वर्ल्ड कप 2023 का खिताबी मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉप 4 टीमों की चर्चा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स की सोशल मीडिया पोस्ट पर दुनिया के सामने आई है। इन सभी दिग्गजों की टॉप 4 टीमों में एक बात कॉमन रही कि इन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को जरूर शामिल किया है। है ना मजेदार बात। अब आप भी अपनी अपनी टॉप 4 टीमों को जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज जल्द होने वाला है।